दोस्तों आज के टाइम पे यहाँ पे प्राइवेसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो चुकी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कमाल के यहाँ पर स्पाई गैजेट्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अलग अलग तरीके के यहाँ पे गैजेट्स हैं जिनको कि आप यूज़ करेंगे तो आपकी यकीनन काफ़ी बार हेल्प हो सकती है, और कई बार हो सकता है कि आप किसी बेकार सिचुएशन में, किसी डेंजरस सिचुएशन में फंसने वाले हों तो ये गैजेट्स आपको बचा दे और आप वहाँ से निकल जाएं। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं। और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करें। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला गैजेट है वो है हशमी। अब देखिए हशमी ये काफ़ी कमाल का गैजेट है। नॉर्मली होता क्या है कि हम कभी जब बाहर होते हैं तो नॉर्मली हम किसी से बात करना चाहें तो कोई प्राइवेट बात होती है तो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये जो गैजेट है ये एक तरीके का, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि हेडफोन जैसा दिखने वाला गैजेट है, इसको आप अपने मुँह पर लगा लीजिए और फिर बात करिए तो होगा ये कि आसपास वाले लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं और जो बात है वो डायरेक्टली आप दूसरे बंदे से कर पाएंगे और आसपास उसकी आवाज़ गूंजेगी भी नहीं। तो ये काफ़ी कमाल का एक गैजेट है और इसकी हेल्प से आप इसको कहीं भी कैरी करके इजीली ले जा सकते हैं। लाइट वेट गैजेट है और इसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है एक मिनी गन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे ये नॉर्मल सा यहाँ पर कार्ड जैसा दिखने वाली एक चीज़ है, लेकिन ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बेसिकली एक गन है। जी हाँ, एक पोर्टेबल गन जिसको आप कहीं भी इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं और इसको आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ना करे एक भगवान कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएँ तो ये गन बन जाती है और ये एक्चुअल गन की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जिन जिन गैजेट्स के लिंक अवेलेबल होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप उनको परचेज कर पाएंगे। उसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है SGNL। जी हाँ दोस्तों, SGNL जो है ये भी एक काफ़ी कमाल का यहाँ पर गैजेट है। बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का बैंड या फिर मैं कहूँ आपकी वॉच के लिए एक तरीके का स्ट्रैप है जो आपके जो वॉच है उसको बेसिकली काफ़ी एडवांस बना देता है। सिंपली आपके फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली क्या होगा, आपको अपनी एक फिंगर अपने कान में डालनी है और इसकी हेल्प से आप बिना फ़ोन के ही किसी से बात कर पाएंगे। हालांकि इसमें काफ़ी अजीब से यहाँ पर फीचर्स हैं इसके, तो क्या आप इसको लेना चाहेंगे या नहीं, या कैसे आपको ये गैजेट लगा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। हालांकि ये गैजेट्स कुछ यूनिक ट्राई करने की कोशिश की गई है, लेकिन किस तरीके का परफॉर्म करता है ये तो खैर इसके बारे में खरीद के ही पता चल पाए। तो खैर गाइज, बहरहाल फिलहाल ये गैजेट था। इसके बाद गाइज जो हम नेक्स्ट गैजेट की बात करते हैं वो है ये एक तरीके का होम कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, इसको सिंपली आप अपने घर में लगा सकते हैं। जो भी नॉर्मली आप जानते होंगे हमारे घर में कैमरेज हम लगा देते हैं कई बार प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी एक काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसको सिंपली आप यूज़ कर सकते हैं और आप एक्चुअली इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी एडवांस दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी हेल्प से सिंपली आप डायरेक्टली अपनी जो वीडियो है उसको लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके, और आप कहीं और बैठे होंगे और आपके घर के क्या हाल चल रहा है, क्या सिस्टम है, पूरा प्रॉपर देख सकते हैं कि कोई घर में कोई आपके घुस तो नहीं आया, वो सब चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये कैमरा है, ओवरऑल भी काफ़ी एडवांस दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पर बहुत सारे इसमें फीचर है। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है ड्रोन, घोस्ट ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, घोस्ट ड्रोन भी एक काफ़ी कमाल का यहाँ पर गैजेट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं। 360 डिग्री का यहाँ पर रोटेशन भी इस ड्रोन के अंदर दिया गया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर ये वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो नॉर्मली अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं यहाँ पर और अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ड्रोन को आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर यहाँ पर इसके अंदर आपको दिया गया है, जिसकी हेल्प से ये काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हाइट तक ये उड़ सकता है। तो गाइज आपको ये ड्रोन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नॉर्मली होता क्या है, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, आप भी लोग ट्रैवल करते होंगे आप लोग, तो होटल में एक प्राइवेसी को लेकर बहुत खतरा रहता है क्योंकि आजकल ये जो हिडन कैमराज आ रहे हैं इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो एक तरीके का ये हिडन कैमरा फाइंडर है राइट, इससे क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली ऑन कीजिए और ये ब्लिंक करेगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर कहीं रूम में कोई इस तरीके का कोई छोटा मोटा हिडन कैमरा तो नहीं लगाया गया है, कोई छुपाया तो नहीं गया आपकी वीडियो बनाने के लिए। कहीं भी आप इसको देख सकते हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में, या फिर आपके रूम में भी, इवन अगर कहीं वहाँ पे कैमरा होगा किसी भी तरीके का तो ब्लिंक करेगा और आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा गैजेट है। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो भी काफ़ी रिवोल्यूशनरी गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, आप नॉर्मली आप सभी को पता होगा बड़े बड़े हैवी कैमरेज के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये जो कैमरा है ये काफ़ी, इसकी खास बात ये है
कि ये एक छोटा सा यहाँ पर पोर्टेबल सा कैमरा है जिसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, और इसको देख के लगेगा भी नहीं कि एक कैमरा है क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ का है। और सिंपली इसको आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इसको कहीं भी रख दीजिए, अगर आपको किसी के बारे में यहाँ पर पता लगाना है तो आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको अपने फ़ोन में कनेक्ट करके आपके फ़ोन में इसकी वीडियोज़ वगैरह पूरा आ जाएगी। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है फोकल्स बाय नॉर्थ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी गैजेट है। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। ये एक तरीके के यहाँ पर आपका चश्मा है जिसको आप पहन सकते हैं, और आपकी फिंगर में यहाँ पर एक फिंगर में आप अटैचमेंट मिलेगी। एक तरीके का गैजेट है जो फिंगर में आप लगाएंगे और उसके बाद अपनी एक फिंगर से आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे, और एलेक्सा वगैरह से यहाँ पर इसको कनेक्ट करके काफ़ी सारे यहाँ पर कंट्रोल आप सिर्फ इसकी हेल्प से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आपकी आंखों के सामने आपके चश्मे में एक टेलीविज़न सा चल रहा होगा, एक स्मार्टफोन चल रहा होगा, है ना कमाल का गैजेट। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त गैजेट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का सिक्योरिटी सेंसर है। देखिए बेसिकली होता क्या है, आज के टाइम पे आपको पता ही है कि बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी वाले यहाँ पर ये बॉक्स सिक्योरिटी वाली यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ये तिजोरियाँ जो होती हैं वो आज के टाइम पर आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि हर चीज़ को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक में हैक किया जा सकता है। नॉन इलेक्ट्रॉनिक को तोड़ा जा सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक को भी हैक किया जा सकता है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि वो जो आपकी जो भी आपका यहाँ पर ये तिजोरी वगैरह है उसमें इस सेंसर को रख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके जो भी अगर इसको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा, ये एकदम से कोई तोड़ रहा है या फिर एकदम हैक करके खोल रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा अलार्म आपको बजेगा, और इन दैट केस आपके फ़ोन पर भी यहाँ पर सिग्नल चला जाएगा और आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है बहुत रिवोल्यूशनरी, जो काफ़ी आपको पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का स्पाई लेंस है। इसको आप सिंपली अपने फ़ोन पर लगा के 90 डिग्री के एंगल पर फोटो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन इस लेंस को लगाने के बाद आपके साइड में बैठे हुए बंदे का भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, और कमाल की बात जानते हैं क्या कि उसको ये बात पता भी नहीं चलेगी। तो ये लेंस जो है काफ़ी रिवोल्यूशनरी गैजेट है, और अगर आप इनका यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइस फाइनली हमारा जो नेक्स्ट गैजेट है वो भी एक काफ़ी बढ़िया गैजेट है। गाइस आज के टाइम पे हम बहुत सारी वेबसाइट विजिट करते हैं और यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि कौन सी वेबसाइट आपसे क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है आपकी यहाँ पर डेटा उठा रही है, और आपसे क्या क्या उन्होंने यहाँ पर एग्रीमेंट पे आपने फटाफट से ओके कर दिया है। तो इन दैट केस कई बार क्या होता है ना, हमारा वेबकैम जो है लैपटॉप का या कंप्यूटर का ऑन हो जाता है, तो हमारे लैपटॉप का जो वेबकैम है वो ऑन हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इन दैट केस हमारी फ़ोटो या फिर हमारे घर के आसपास की यहाँ पर फोटो जो वेबकैम के सामने हम बैठे होंगे तो वो सब चीज़ें उसके अंदर चली जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट्स कई बार बिना पूछे आपका बेवकूफ़ बना के आपका डेटा ले लेती हैं। तो इन दैट केस ये अच्छा है कि आप अपने वेबकैम को कवर करें, तो सिंपली इस गैजेट का आप यूज़ कर सकते हैं, और इस गैजेट को लगा करके आप अपने वेबकैम को कवर कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के गैजेट्स जिनको आप प्रोटेक्शन के लिए या फिर मैं कहूँ एज अ स्पाई गैजेट यूज़ कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा पसंद आया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मैं मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।